हेलो बच्चों, देखो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो आर्टिकल करा था हमने, और पिछली कई वीडियो से हम लोग आर्टिकल कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के, और आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, वो आपका समाप्त हो गया है, और आज से हम आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा, चैप्टर नंबर 2, सब्जेक्ट फिजिक्स, इंटर क्लास, ठीक है। चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी हो सकता है मेरी गंदी है, समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर में भी आर्टिकल है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई शुरू के जो कुछ चैप्टर हैं उनमें आर्टिकल्स ज़्यादा हैं, लेकिन आर्टिकल्स शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो वो थ्योरी समझ लेना। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है बच्चों, जो उस हेडिंग का नाम है वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम बच्चों? वैद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, एक मिनट रुकिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, और फ्लक्स को फ्लक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान रख सकते हैं। देखो बच्चों, ये होता क्या, पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ मैं आपको। इसकी परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, बद्ध मतलब घिरा हुआ, आप ब्रैकेट में लिख लेना, घिरा हुआ, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये पूरी परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया, वैद्युत क्षेत्र मतलब जो किससे उत्पन्न हो, विद्युत से उत्पन्न हो, ठीक है। और काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है बच्चों कि भाई रियलिटी में नहीं है, हमने क्या कर लिया, उसे अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, यानी कि मान लिया, काल्पनिक है। जैसे हम सपने देखते हैं, रियलिटी में नहीं होता, ऐसे क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। तो एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत फ्लक्स की रेखाएँ जो गुजरेंगी, उनकी माप को क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसकी एक परिभाषा और भी है, ये परिभाषा आप लिख लें जो बोली, अथवा में एक परिभाषा और है, आप वो चाहें तो वो लिख सकते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल A के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मैं दोबारा बताता हूँ, एक फॉर्मूला है आपका, फाई ई बराबर ई इंटू ए, ठीक है। देखो बच्चे, वो ये कह रहा है, एक समान क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर, एक समान क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखो कहने का तात्पर्य, मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बार परिभाषा बोल रहा हूँ एक बार, और फिर आप समझ रहे हो। एक समान क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को आप प्रेजेंट करते हैं फाई ई से, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल A के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, फाई ई होती है क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फाई होता है फ्लक्स, तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, फाई वैद्युत फ्लक्स और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कहीं चुंबकीय फ्लक्स लिखा हुआ मिलता है आपको तो उसे फाई बी से, मतलब वैद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई, और चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय क्षेत्र को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स हो गया फाई बी। फिलहाल आप ये ध्यान रखो वैद्युत क्षेत्र को बच्चों फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इन दोनों के बीच के कोण की बात करूं तो इन दोनों के जो बीच का कोण होगा वो क्या लगाएंगे हम बच्चों, कॉस थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप फॉर्मूले से बनाकर भी लिख सकते हो, और जहाँ इन दोनों के बीच के कोण की जरूरत पड़े तो आप क्या लगा देना, कॉस थीटा लगा देना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप इसमें क्या ध्यान रख सकते हो, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, इसके अलावा आप इसका मात्रक ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, मात्रक होता है आपका न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर इसका एक मात्रक आप और भी लिख सकते हो, जो कि आपका दूसरा मात्रक हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एम के एस पद्धति में, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर की घात 3 सेकंड की घात -3 और एम्पियर की घात -1। अब इसे ना ही ध्यान रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ध्यान रख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और फिर से बच्चों भाई आपके लिए आज फिर से होमवर्क, इसकी बीमा आप मुझे निकाल कर दिखाओगे, किसकी, वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ही कम समझ में आ रहा हो तुम्हारे, लेकिन एक दो बार जब आप इसे पढ़ोगे और कभी रिवीजन क्लास में मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, रिपीट करूंगा, तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप ये चीज़ें परिभाषाएँ लिख लेना, और मैं इनकी परिभाषा को चलो फोटो खींच कर भी भेज दूँगा, कई मैंने कहता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, लेकिन चलो इस बार मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी परिभाषा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। अब हम आते हैं अगली हेडिंग है हमारी घन कोण, क्या बच्चों, घन कोण। तो घन कोण की परिभाषा पे हम आते हैं बच्चे, चले तो घन कोण की परिभाषा आप लिख लेना, पहले मैं पूरी परिभाषा बोल देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। किसी ने दोबारा बोल रहा हूँ, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। देखो ये एक मान लो काल्पनिक पृष्ठ है, तो इसका जो कोई क्षेत्र है, मान लीजिए छोटा सा एक क्षेत्र बना देता हूँ इसके अंदर ही, ठीक है, तो जो छोटा सा क्षेत्र है ना बच्चों, यानी कि ये क्षेत्र क्या होगा, छोटा क्षेत्र है तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए, छोटे क्षेत्र के लिए डी लगा दिया मैंने, बहुत छोटा दिख रहा है आपको शायद, दोबारा बनाता हूँ मैं, देखो ये एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा पृष्ठ है, ये इतना छोटा सा पृष्ठ है, ठीक है, छोटा सा पृष्ठ मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल मानेंगे डी ए, मतलब बहुत कम है। ठीक है, अब भाई ये क्या कोण भी बनाएगा कोई, तो उस कोण को क्या बोलेंगे हम, घन कोण बोलेंगे। ठीक है, छोटे से पृष्ठ में जो कोण बना उसे क्या बोलेंगे, घन कोण। ठीक है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं, कौन सा कोण, घन कोण, ये भी डी ओमेगा होगा आपका, क्योंकि छोटे से क्षेत्र में बना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों घन कोण का, घन कोण का फॉर्मूला होगा आपका डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, क्या होगा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि पहले तो परिभाषा दोबारा एक बार रिपीट, किसी पृष्ठ द्वारा
किसी बिंदु पर आंतरित कोण को घन कोण, घन कोण कहते हैं। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है किसी पृष्ठ द्वारा, ठीक है, किसी बिंदु पर आंतरित कोण को घन कोण बोलते हैं, यानी कि कोई पृष्ठ हो गया ये, ठीक है। अब भाई मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से मान लीजिए इसका केंद्र है, तो दो त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं, तो दो त्रिज्याएं जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या बनेगा, कोण बनेगा, उसे क्या बोल रहे हैं, घन कोण बोल रहे हैं। ठीक है, बड़े क्षेत्र में बनना है तो केवल ओमेगा, छोटे क्षेत्र में बनना है तो डी ओमेगा। ठीक है, और इनके बीच का कोण भी आप ध्यान रख लेना, अगर इनके बीच के कोण की बात आए तो आप लिख सकते हो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोण की बात नहीं चल रही है तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और कोण की बात चल रही है तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे था सिंपल। अगर कोण की बात नहीं चल रही है, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की बात चल रही है, तो फाई ई बराबर ई इंटू ए, इनके कोण के बीच की बात चल रही है तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ऐसे ही इसमें है। केवल घनकोण की बात चल रही है तो ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और डी ओमेगा अगर कोण की बात चल रही है तो डी ए यहाँ पे क्या लगा दें, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो आप। यदि मान लीजिए कोई बिंदु ओ है, कोई बिंदु मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे ओ है, तो आप लिख सकते हो कि बिंदु ओ को डी ए के केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा क्षेत्र और वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो घनकोण। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण बन गया है, तो इस तरह से मान सकते हो, वरना आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रख लो बच्चों, घन कोण का जो फॉर्मूला होता है डी ओमेगा या ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, कोण की बात चलेगी तो कॉस थीटा लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद एक स्टे रेडियन की, हाँ, इसका मात्रक बच्चों क्या होता है, स्टे रेडियन, घन कोण का जो मात्रक होता है स्टे रेडियन होता है, ये घन कोण का मात्रक। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, स्टे रेडियन की परिभाषा और सुन लो। एक स्टे रेडियन इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। एक स्टे रेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। दोबारा सुन लो, एक स्टे रेडियन वह घन कोण है, क्या है स्टे रेडियन, घन कोण है भाई, जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो ठीक है, अब आगे देखो जरा, अब जब हम निकालेंगे ना संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण, तो संपूर्ण पृष्ठ का जब हम निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ध्यान रखना ओमेगा बराबर क्या होगा, ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा देखो, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखो घन कोण में जो आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा आपने, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जैसे मान लो ये पूरा एक गोला है, काल्पनिक पृष्ठ पूरा, तो पूरे का क्षेत्रफल ए है या नहीं, ठीक है, लेकिन पूरे की बात ना करके इसके अंदर एक छोटा सा पृष्ठ में ले लूँ, तो भाई इसके बीच का कोण जो हो गया वो क्या है, पूरा क्षेत्रफल ए था, तो छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए, और छोटे से भाग में ये क्या बनना है हमारा, घन कोण, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अगर एक बड़े क्षेत्र की बात चल रही है तो आप केवल ओमेगा लिखोगे, छोटे क्षेत्र की बात चल रही है तो डी ओमेगा। तो जब पूरे क्षेत्र का निकालूंगा मैं तो पूरा क्षेत्र क्या हो गया, ओमेगा, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए, और भाई त्रिज्याएं, यानी कि दो त्रिज्याएं आपकी मिलेंगी तब आपका कोण बनेगा, तो आर और आर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, ओमेगा है घन कोण, ए क्षेत्रफल है किसी पृष्ठ का, और आर उसकी क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो ओमेगा बराबर, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, गोले की बात चल रही है तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो होता है 4π आर स्क्वायर, ये ध्यान रख लेना। हाई स्कूल में शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4π r² होता है, तो मैं एक ही जगह लिख सकता हूँ 4π r² नीचे आर स्क्वायर पहले से ही, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर आ गया 4π। अब मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, हो सकता है थोड़ी मुझसे भी कमी रह रही हो, है ना, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, ये मैं खुद बता रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन करूँ उतनी वीडियो लंबी होती चली जाती है।
देखो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, बैद सिलेक्स की परिभाषा मैंने आपको बताई। अब बैद सिलेक्स की परिभाषा आपको याद करनी है और फिर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फाई ई बराबर ई इंटू ए। फाई ई है बैद सिलेक्स, ठीक है, ई है बैद क्षेत्रीय तीव्रता, ए है क्षेत्रफल। इन दोनों के बीच के कोण की बात चले तो आपको कॉस थीटा लगा देना, ठीक है, मात्रक बता दिया मैंने। फिर मैंने आपको घन कोण की परिभाषा बताई, तो घन कोण में एक कम, देखो ध्यान रखना, जब पूरे क्षेत्र की, छोटे से क्षेत्र की बात करते हैं तो डी लगा देते हैं, डी ए, यानी कि बहुत छोटे क्षेत्रफल की बात चल रही हो, बड़े क्षेत्रफल की बात चल रही तो केवल ए लिखेंगे। तो भाई घन कोण का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके भी अगर कोण की बात चल रही हो तो आप क्या लिख दोगे, कॉस थीटा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया ये छोटे से क्षेत्र की डी लग रहा है तो समझ जाओ आप एक बहुत अल्प क्षेत्र की बात चल रही है, लेकिन जब पूरे क्षेत्र की बात करोगे तो ओमेगा लिखोगे, ठीक है। मैंने बताया अगर छोटे क्षेत्र की बात चलिए तो ए, सॉरी छोटे क्षेत्र की बात चलिए तो डी ए, बड़े क्षेत्र की बात चलिए तो ए। तो उस बड़े क्षेत्र का जब कोण निकालोगे तो डी ओमेगा की जगह ओमेगा, उसका फॉर्मूला होगा ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी पूरा क्षेत्रफल को भाग दे रहे हैं किससे, त्रिज्या के स्क्वायर से। तो ओमेगा ऐसे ही रहा, किसी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों ए बराबर 4πr² होता है, ध्यान रख लेना। गोले का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप हाई स्कूल की बुक में पढ़ना मेंसुरेशन में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना वो 4πr² होता है, पढ़ लेना। तो मैंने ए की जगह 4πr² लगा दिया, r² से r² कट गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 4π, ठीक है। इतनी चीज़ें आप आज नोट करना और फिर बताना, ठीक है। स्टे रेडियन की परिभाषा मैंने लिखवा दी। अब हम आते हैं बच्चों आर्टिकल पर, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, जिसका नाम है गॉस की पिरामिड। आर्टिकल बच्चों ज़रूर समझ लेना। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कुछ चीज़ ऐसी समझ में नहीं आ रही ना तो उसका भी फॉर्मूले याद कर लेना आप, फॉर्मूले आर्टिकल में यूज़ कैसे होते हैं, मेन खेल वही है, ठीक है। अब हम आते हैं गॉस की पिरामिड पर। तो सबसे पहले गॉस की पिरामिड जब हम करेंगे तो आप गॉस की पिरामिड की पहले परिभाषा देख लो पहले, तो हेडिंग डाल लेना गॉस की पिरामिड, परिभाषा बोल रहा हूँ मैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अब मैं आपको परिभाषा को फॉर्मूले के रूप में लाता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोबारा बोल रहा हूँ, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि गुना का मतलब क्या हो गया, गुणा। तो ये आप कह सकते हो किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरे वैद्युत फ्लक्स इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, आप लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई फाई ई बराबर क्यू की गुणा बन से करेंगे तो क्यू अपॉन ε0, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसकी पिरामिड का, गॉस की पिरामिड का। थ्योरी लिखनी है और आपको परिभाषा लिखनी है, ये हो गई परिभाषा हमारी। अब हमें बच्चों ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसे आया, क्या ये निकाल के दिखाना है कि ये आएगा कैसे, और जो ये आएगा उसे क्या बोलेंगे, आर्टिकल बन जाएगा वही, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0, और यही क्या होगी आपकी गॉस की पिरामिड होगी जब सिद्ध कर देंगे। तो अभी तो केवल परिभाषा पढ़ी है हमने, परिभाषा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। किसी इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का की जगह गुणा लगा सकते हैं, का 1/ε0 गुना होता है, गुना या का बात एक ही है, ठीक है, का 1/ε0 गुना होता है। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फाई ई बराबर क्यू का 1/ε0 गुना, गुना मतलब गुणा,
तो क्यू क्यू गुणा बन सा करेंगे तो क्यू एकम क्यू और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो फाइव ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको गॉस की प्रमेय करके दिखाता हूँ बच्चों, बहुत गौर से समझना, और ये आर्टिकल आप लोग मुझे करके भेजेंगे ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ गॉस की प्रमेय। एक काम करते हैं बच्चों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ आज आपकी, अगली वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो 20 मिनट की पहले ही हो चुकी है, ठीक है। मैंने गॉस की प्रमेय का नियम बता दिया, ठीक है। आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल यानी कि प्रमेय, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।